friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 15, Introduction to Graph of Class 8, Exercise 15.1, Question-4. The following graph show the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week. यहाँ पे एक हमें ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ हमें फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर शो कर रहा है वीक के डिफरेंट डेज पे. सो ये हमारा ग्राफ, इसके एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंटेड डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट है यहाँ पर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. और ये जो हमारा ग्राफ है इसमें हमारे पास दो लाइन है, एक डॉटेड लाइन है और एक सिंपल लाइन है. तो ये जो हमारी डॉटेड लाइन है ये फोरकास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, फोरकास्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो सिंपल प्लेन लाइन है ये एक्चुअल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है. एक्चुअल टेम्परेचर तो वही होता है कि जो वीक के डेज पे एक्चुअली टेम्परेचर था. फोरकास्ट टेम्परेचर वो होता है कि जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस दिन इतना टेम्परेचर होगा. तो यहाँ पे हमें दोनों ही टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है. इस ग्राफ के साथ साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो हम क्वेश्चन का आंसर देंगे ग्राफ की हेल्प से. फर्स्ट क्वेश्चन इज का ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर. अब हमें बताना है कि फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर किस दिन सेम है. तो ये वाली जो डॉटेड वाली लाइन है ये फोरकास्ट टेम्परेचर की है, और प्लेन लाइन जो है ये एक्चुअल टेम्परेचर की है. तो हमें वो पॉइंट्स ढूंढने जहाँ पे फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर एक ही पॉइंट पे है. लाइक मंडे को तो दोनों पॉइंट अलग अलग है, ट्यूसडे के दोनों पॉइंट एक जगह है. दैट मीन्स कि ट्यूसडे को दोनों टेम्परेचर इक्वल है, फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों इक्वल है. ट्यूसडे के कितने होंगे ये 20 डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट आएगा यहाँ पे ट्यूसडे. आगे देखेंगे वेडनेसडे में भी दोनों टेम्परेचर अलग अलग है, थर्सडे में भी अलग अलग है, फ्राइडे में दोनों एक ही पॉइंट में है. सो सेकेंड आएगा यहाँ पे फ्राइडे. फिर सैटरडे में दोनों टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट पे है, और संडे में दोनों एक ही पॉइंट पे है. सो यहां पर आएगा एंड संडे. मीन्स थर्सडे फ्राइडे और संडे को फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम है. जितनी डिग्री फोरकास्ट टेम्परेचर है उतनी डिग्री एक्चुअल टेम्परेचर है. जैसे कि ट्यूसडे में फोरकास्ट टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है और एक्चुअल टेम्परेचर भी. ऐसे फ्राइडे में फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों 15 डिग्री सेल्सियस है, एंड संडे में दोनों 35 डिग्री सेल्सियस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक. अब हमें बताना है कि पूरे वीक में फोरकास्ट टेम्परेचर सबसे ज्यादा कितना है. तो सबसे ज्यादा किस दिन है, संडे का. अब हम देख रहे हैं सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है, सबसे ऊपर हमारे ये वाला पॉइंट है. कौन से दिन का पॉइंट है ये, संडे का. कितने डिग्री टेम्परेचर है, 35 डिग्री सेल्सियस. सो इसका आंसर होगा द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट इज का थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक. अब हमें बताना है कि पूरे वीक में एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम कितना है. तो अब हम यहाँ देख लेंगे कि एक्चुअल टेम्परेचर की लाइन कौन सी है, जो प्लेन वाली लाइन है. इस लाइन को देखेंगे सबसे नीचे कौन सी लाइन है, सबसे नीचे ये वाली लाइन यहाँ रही है इन दोनों पॉइंट पे, बाकी सारे पॉइंट्स इनके ऊपर हैं. यहाँ मंडे को एक्चुअल टेम्परेचर 15 यहाँ पे आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 15 और 20 के बीच में है, तो ये 17 या 18 होगा. ट्यूसडे को ये था 20 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को था 30 डिग्री सेल्सियस. अगर हम एक्चुअल टेम्परेचर देख रहे हैं यहाँ पे, थर्सडे को 15 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे को भी 15 डिग्री सेल्सियस, देन सैटरडे को था ये 25 डिग्री सेल्सियस, और संडे को है ये 35 डिग्री सेल्सियस. तो अब हमें बताना है कि सबसे कम कितना है. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू तो हमारी 15 ही है, तो इसका आंसर होगा द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक इज 15 डिग्री सेल्सियस. पूरे वीक में सबसे कम टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज का फोर्थ क्वेश्चन डी, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर. अब हमें बताना है कि किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा गैप रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस है. एक्चुअल टेम्परेचर का तो हमने सब में लिख लिया कौन सा कितने डिग्री सेल्सियस है. अब ऐसे यहाँ पे हम फोरकास्ट टेम्परेचर लिखेंगे, मंडे को 15 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे 20, वेडनेसडे को था ये 20 और 25 के बीच में.
वेनसडे को ये 25 डिग्री सेल्सियस है, देन थर्सडे को ये 20 और 25 के बीच में है, तो यहाँ पे 22 अराउंड होगा, या तो 22 डिग्री सेल्सियस या 23 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे को 15 डिग्री है, सैटरडे का अगर हम देखते हैं तो सैटरडे को ये 30 डिग्री सेल्सियस है, एंड संडे को है ये 35 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना है कि किस दिन इसमें सबसे ज्यादा गैप है। मंडे को तो 2 डिग्री का गैप है, ट्यूसडे में कोई गैप नहीं है, वेडनेसडे में 5 डिग्री सेल्सियस का गैप है, थर्सडे में 12 से 22, तो थर्सडे में करीब 7 या 8 डिग्री का होगा। फ्राइडे में कोई गैप नहीं है, सैटरडे में 5 डिग्री सेल्सियस का गैप है, और संडे में भी कोई गैप नहीं है। तो सबसे ज्यादा गैप किस दिन है? थर्सडे के दिन। थर्सडे में इसमें 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। सो इसका आंसर होगा द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर ऑन थर्सडे। थर्सडे को इन दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।